कहता है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर लगा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11 है ना। एक नहर है, मान लो कि ये नहर है ए बी। इस नहर के एक छोर पर टीवी टावर ऐसे लगा है, ठीक है। टीवी टावर को नहर के दूसरे छोर से देखने पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। अब 20 मीटर दूर हट जाने से उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। अगर यहां से देखा जाए तो एक और डिग्री बनता है 60 डिग्री। अगर यहां से ए से ए बी सी हो गया तो इससे 20 मीटर इधर हट जाएगा, तो डी बिंदु से अगर उसको देखा जाए तो कोण कौन डिग्री का बन जाता है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बनता है ना। तो कहता है कि टीवी टावर की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है और नहर की चौड़ाई कितनी है, यही दोनों बात बताना है। या लिखो, माना टीवी टावर के ऊंचाई h मीटर तथा नहर की चौड़ाई ए बी बराबर x मीटर है। अब आराम से निकल जाएगा। अब यहां लिखेगा त्रिभुज ए बी सी में, पहले लिखेगा ए बी सी में, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। टेन 60 का मान रूट 3/1 रख सकता है ना, तिरछा क्या करेगा, गुना। तो हो जाएगा एच बराबर रूट 3 एक्स हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान सकता है। अब लिखो त्रिभुज डी बी सी में, चाहे बी सी डी में, टेन 30 डिग्री बराबर एच बाटा में, आ एक्स जोड़ 20 होगा नहीं, 1/√3 बराबर एच बाटा में एक्स जोड़ 20, तिरछा गुणा करेगा, तिरछा गुणा करोगे तो यहां लिखोगे तिरछा गुणा में, एक में इसमें होगा एक्स प्लस 20 से हो जाएगा, आई रूट 3 एच में गुणा करेगा तो रूट 3 एच हो जाएगा। देखो यहां समीकरण 1 से लिखो, यहां लिखना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 तुम्हारा क्या कहता है, कहता है कि एच के जगह पर रूट 3 एक्स रखो, यह कहता है। यहां लिखोगे एक्स प्लस 20 और रूट 3 एच के जगह पे क्या रखेगा, रूट 3 एक्स रखेगा। चलो एक्स प्लस 20 रूट 3 लड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तितरी का 9 का वर्गमूल। अब 20 बराबर 3 यही एक्स इधर घट जाएगा, 20 बराबर 2x, तो एक्स बराबर 20 बटा 2 दहा, एक्स बराबर 10 मीटर, नहर कितनी चौड़ी है। अब यहां से देखना है समीकरण 1 में एक्स बराबर 20 रखने पर, समीकरण 1 देखो तो क्या है, समीकरण 1 क्या है, एच बराबर रूट 3 एक्स, रूट 3 गुणे एक्स का मान 10 रूट मीटर आंसर।